हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, फाइनली कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 का न्यू अपडेट आ चुका है। वैसे अपडेट तो काफ़ी सारा है, बट अभी देखना अपडेट में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आया था, जैसे नॉर्मल छोटे छोटे अपडेट आ रहे थे। बट गाइस, फाइनली अपडेट में कुछ अच्छी चीज़ आई है। ये अपडेट ना थोड़ा बड़ा अपडेट, इस चीज़ में ना काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ गेम के अंदर ऐड हो चुकी है। तो गाइस, अभी ना मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पे आके ना इस गेम को जल्दी से अपडेट कर ले। तो अपडेट ना मतलब बड़ा अपडेट है, कोई छोटा अपडेट नहीं है, थोड़ा बड़ा अपडेट। और अपडेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें गेम के अंदर ऐड हो चुकी है, ठीक है। फटाफट ना गेम को अभी मैंने अपडेट कर लिया। जब तक गाइस मेरा गेम अपडेट हो रहा है ना, तब तक आप सभी लोग ना जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और गाइस, इस गेम के अंदर आप क्या चीज़ें लाना चाहते हो ना, वो जल्दी से कमेंट कर दो। आप क्या चीज़ चाहते हो इस गेम के अंदर, वो फटाफट कमेंट कर दो। फिर क्या है, डेवलपर्स हमारी कमेंट वगैरह चेक करते, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ ना अपनी पब्लिक चाहती, इसीलिए ना वो गेम के अंदर ऐड कर देंगे। फटाफट ना जितने भी लोग जो भी चीज़ ऐड करवाना चाहते ना, फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। और भी गाइस, हम बात करते हैं इस वाले अपडेट में इस गेम में क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई है। तो गाइस, सबसे पहले गेम के अंदर जो बग्स देने गए वो फिक्स हुए। मतलब कोई भी अपडेट आता है ना, ये चीज़ तो सबसे पहले हो ही जाती है, बग्स फिक्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ तो हो जाती है हमेशा से, बट उसके बाद भी एक चेंज हुआ है बिल्कुल से। जब हम कार चलाते थे, जो पीछे से स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो फायर होता है ना गाइस, उसमें चेंजेस हुए। मतलब पहले ना इतनी ठीक से नहीं होता था कुछ कारों का, तो उनमें कुछ करेक्शन हुए और अभी वो प्रॉपरली हो पाता है और अभी ठीक से ना आपको दिखाई भी देता है। अगर आप कोई और कार यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपरली वहाँ पे दिख जाएगा। बट गाइस, उसके बाद में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगा, हमारा ट्रक बिल्कुल से हमारा स्पीड टेस्ट गेम के अंदर ऐड हो चुका है। इसी का तो वेट था गाइस गेम के अंदर, फाइनली गाइस स्पीड टेस्ट गेम के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। मैप तो अभी इसके अंदर एक ही है $30 पे करने के, और फॉरेस्ट वाला मैप अपने को मिल जाता है, ठीक है। अभी ना जाकर देखते हैं भैया वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपने को होगी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट वाला नॉर्मल मैप है, जैसा पीसी के अंदर होता है वैसा ही, बट इसकी ग्राफिक वगैरह अलग है। हो गए तो ऐड तो हो चुका है भैया। अभी इसमें गाड़ी दौड़ाने में ना फुल क्रेजी मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा क्रेजी मज़ा आने वाला। इसकी ज़रूरत थी, डीलरशिप में भी अपडेट आने वाला है, बट डीलरशिप से पहले गाइस ऑफिशियल गेम में ही अपडेट आ गया। और इसकी तो ये तो आने वाला था भैया, इनको तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था, ये लोग तो आराम से ला लेंगे। पीसी वाला गेम इन लोगों ने बना के रखा है, तो ये अपडेट ऐड करने में इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और गाइस, अभी हमारे को स्पीड टेस्ट ना गेम के अंदर देखने मिल जाता है। यहाँ पर ना आप मस्त कार वार चला सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और स्पीड भी चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया गेम के अंदर अभी ऐड हो चुकी है। और इसके बाद में गाइस, जो हमारा ऐड देखने का जो सिस्टम होता था, मतलब जो हम ऐड देखते हैं जिससे हमें ना RC पॉइंट मिलते हैं ना, उसको थोड़ा उसका लोगो को चेंज हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा है, बस वो लोगो वगैरह चेंज हो गया है। इधर से उधर उसको हिला दी उन्होंने ऐड का जो फंक्शन था, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम वही गाइस। बाकी कुछ भी गेम के अंदर चेंज हुआ नहीं है, बाकी जितनी भी चीज़ें दिखती ना गाइस सेम है भाई, कुछ भी बाकी चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो इसके अंदर मैं आ तो चुका हूँ, बट यहाँ से मैं बैक कैसे जाऊँ, बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे डोर का ऑप्शन होता था डीलरशिप में, यहाँ पे तो नहीं। मैं टाउन में वापस कैसे, अपने सिटी में वापस कैसे जा सकते हैं। ओके ठीक है, एक मिनट, मैं इसके अंदर आ तो गया, पर वापस जाने के लिए मुझे क्या गेम पूरा बैक करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी ठीक है कहाँ से जाओ वापस। ओके ठीक है, मैं ठीक है यहाँ पे देखते। ओके लास्ट में यार बैक टू टाउन, ठीक है। यहाँ से मैं ना अपन अपने सिटी में वापस आ जाएंगे और अपना बिजनेस आराम से कर सकते हैं, कारें वारे बहुत ही जो बिजनेस करना है वो कर सकते हैं। बट गाइस, इसी गेम का एक और बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसको मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि गेम के अंदर ना कुछ न्यू कार्स ऐड होने वाली। बट गाइस, ये वाले अपडेट में वो न्यू कार्स ना ऐड तो इन्होंने की नहीं, क्यों नहीं की पता नहीं यार, ऐसा लगा तो था एक साथ ही अपडेट आ जाएगा। स्पीड टेस्ट के बारे में तो उन्होंने बताया था, जो ट्रैक ऐड होने वाला था ऐड हो गया गाइस, बट न्यू कार्स थी ना वो ऐड नहीं हुई। वो गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसका, शायद वो कुछ है 2-3 दिन में ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो गाइस, वो अपडेट के बारे में जानने के लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।